अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे किचन में बनने जा रहा है कोफ्ता करी, वो भी मेरी स्टाइल में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी और देखते हैं हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मेरे पास मटन का कीमा है, ये आधा किलो के करीब है। आप चाहे तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है ये भुने हुए चने थे जिनको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया, ये कम से कम 4 टेबल स्पून है। उसके बाद नमक टेस्ट के हिसाब से, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1 टेबल स्पून के करीब हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 3 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और आधा नींबू। और उसके बाद हमारे पास है थोड़ी सी कोथमीर और पुदीना जिनको बारीक बारीक कट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा मैरिनेशन। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ ये टब मैंने ले लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी खीमा। खीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैंने इसे अच्छे से दबा दबा कर इसका पूरा पानी निकाल लिया है। उसके बाद इसमें जाएगा नींबू, उसके बाद इसमें मैं ये सारे मसाले जो है वो ऐड कर दूंगी। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक, ये सब इसमें चला गया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कोथमीर और पुदीना और पहले मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि जो मसाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मसालों को मैंने खीमे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये भुना हुआ चना और फिर इसे और अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। अगर आपके पास भुना हुआ चना नहीं है तो आप बेसन भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं इसे आधे एक घंटे के लिए ऐसे रख दूंगी। अब 1 घंटे के बाद मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लूंगी फिर से और अब मैं इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो कोफ्ते का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए वैसे। तो मैंने साइज इतना रखा है, इसका कोफ्ते का साइज मैंने इतना रखा है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए आप रख लेना। और मैं इन सब पूरे कीमे का मैं कोफ्ता बना लूंगी। देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो चलिए गैस की फ्लेम ऑन करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ और उस पर ये बर्तन भी रख चुकी हूँ। इसी में मैं अपनी कोफ्ते की ग्रेवी भी बनाऊंगी, तो मैंने ये एक ही बर्तन यूज करने का सोचा है। तो मैं इसमें अभी ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोफ्ता, क्योंकि हमारा तेल जो है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ और मैं ऐसे ही सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखिए सारे कोफ्ते मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और अब मैं इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि जब तक वो एक तरफ से अच्छे से पक नहीं जाते, मीन्स उसको कलर नहीं आ जाता, जब तक आप साइड मत चेंज कीजिएगा। और कभी भी उसे पलटाने के लिए हमको छोटा सा चम्मच यूज करना है, बड़े बड़े चम्मच हमको नहीं यूज करना है, नहीं तो वो फूटने लग जाते हैं। इसे ऐसे हमको पलटाना है, बिल्कुल हमें बड़ा चम्मच इसमें यूज ही नहीं करना है फिलहाल। तो देखिए इस पर एक साइड से अच्छे से कलर आ चुका है, तो मैं ऐसे इसकी सबकी साइड चेंज कर लूंगी। तो अब मेरे पास थी 4 मीडियम साइज की प्याज और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने कोफ्ता फ्राई किया था। तो अब ये प्याज मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे।
अब जो ये प्याज है ये हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और मैं गैस की फ्लेम को बंद कर लेती हूँ। तो देखिए ये है मेरे पास 2 चम्मच के करीब दही। मैं ज़्यादा दही नहीं यूज़ करूँगी, मैं थोड़ा टमाटर ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा खट्टा खट्टा नहीं चाहिए। तो ये 2 चम्मच के करीब दही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर कर लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच भर कर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर और उसके बाद 1/2 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी जीरा पाउडर और मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी मैं। और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसका एक पेस्ट बना लूंगी। तो देखिए मैंने इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अच्छा तो ये मसाले का पेस्ट बना के मैंने इसको रख लिया साइड में। अब हम लेंगे एक जार, ये वही जार है जिसमें मैंने रोस्टेड जो चना था उसको मैंने ग्राइंड किया था। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये प्याज, और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 ग्लास के करीब पानी और इसको मैं अब ग्राइंड कर लूंगी। तो अब मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ और मैंने इस पर कढ़ाई रख दी हूँ क्योंकि अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी कोफ्ते की। तो चलिए तेल गरम होने लग गया है और ये वही ऑयल है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे और इसमें मैं डाल दूंगी 3 हरी इलायची। तो अब इसके बाद मैं डालूंगी 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और मैं इसे सॉटे करूंगी जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। मैंने अब गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। उसके बाद मैं ऐड करूंगी ये मसाला जो हमने मिक्स करके रखे थे। तो जो मसाला हमने सब मिक्स करके रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है और इसमें ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है। मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा सा फास्ट करूंगी। और उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। ये 4 टमाटर थे जिसको मैंने चॉपर में चॉप किया है और इसमें डालकर मैं इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो हमको 10 मिनट लगेंगे कम से कम इसे भूनने के लिए। तो अब मैं इस पर ढक्कन ढक देती हूँ, अब इसे 10 मिनट तक भूनने देते हैं। तो चलिए अभी 5 मिनट हो चुके हैं, हम मसाले को फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से भूनने लग चुका है। तो इस स्टेज पे ना मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और कस्तूरी मेथी भी ऐड कर दूंगी थोड़ी सी। तो इसे और 5 मिनट से 6 मिनट तक जाएगा भुनने के लिए। तो अभी मैं इसे ढक्कन ढक के रख देती हूँ। तो चलिए चेक करते हैं हमारा मसाला भुन गया है। देखिए हमारा जो मसाला है वो परफेक्टली भुन चुका है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है और जो तेल है वो सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्चें, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी जो
रिश्ता हमने पीस कर रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसी जार में मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से, तब ये मैंने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है। इस स्टेज पे आप नमक जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इसमें तो नमक बराबर टेस्ट कर रहा है, क्योंकि हम नमक कम खाते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब इसे जैसे ही बॉईल आता है तो उसमें मैं कोफ्ते ऐड कर दूंगी। तो देखिए इसमें बॉईल आ चुका है, तो अब इसमें मैं कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। तो देखिए मैं सारे कोफ्ते ऐड कर चुकी हूँ, और अब इसे मैं ऐसे ऐसे इसको ऐसे शेक करूंगी, तो चम्मच नहीं यूज करूंगी, नहीं तो कोफ्ते टूटने का डर होता है। अब इसे कम से कम 10 से 20 सेकंड तक उसे पकने देना है, इसमें बॉईल आने लगेगा, फिर हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। दो चम्मच के करीब मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसमें। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैं गैस की फ्लेम को अब बंद कर देती हूँ। तो हमारा जो कोफ्ता है वो बनकर रेडी हो चुका है, तो अब इसमें मैं थोड़ी सी कोथमीर ऐड कर देती हूँ। और ये जो कोफ्ता ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए, तो चलिए सर्व करते हैं। तो देखिए हमारी जो कोफ्ता ग्रेवी है, कोफ्ता करी है, वो एकदम रेडी हो चुकी है, और ये रेडी टू ईट है। आप इसे चाय पराठे के साथ खाइए, या नान के साथ खाइए, या राइस के साथ खाइए, किसी के साथ भी अच्छी लगती है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।